महामहिम राज्यपाल महोदया से हम और अकबर भाई और हमारे एसीएस सुब्रत साहू जी सौजन्य मुलाकात करने आए थे। नवरात्रि का हम लोगों ने बधाई भी दिया और जो पिछले समय से कुछ हम लोगों के वित्तीय विधेयक राजभवन में हम लोगों ने प्रेषित किया हुआ है वो हम लोग चाहते हैं कि उसमें जल्दी महामहिम की अनुमति मिल जाए। उक्त संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया, एक तो विद्युत शुल्क का विधेयक है, दूसरा जल प्रबंधन का विधेयक है, तीसरा सहकारी सोसाइटियों में हम लोगों ने जो संशोधन विधेयक भेजा हुआ है, चौथा भू राजस्व का विधेयक है और पांचवा तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यकाल बढ़ाने वाला विधेयक है। इन सारे विधेयकों पे महामहिम से चर्चा हुई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि चूंकि ये राज्य के हित में राज्य शासन के द्वारा निर्वाचित सरकार के द्वारा बनाया हुआ विधेयक है और जल्दी इसमें महामहिम की स्वीकृति मिल जाए। महामहिम ने भी बेहद सहानुभूति पूर्वक विचार करके शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया। कोई अटका कुछ नहीं है, अब ये सामान्य प्रक्रिया होती है। राजभवन हम लोग भेजते हैं, चूंकि फाइनेंशियल बिल राजभवन की स्वीकृति के पश्चात ही हाउस में जाता है तो अब उस बिल में अटकने जैसी कोई बात नहीं है। प्रक्रियात्मक थोड़ी वक्त लग गया लेकिन महामहिम ने कहा कि इसको हम जल्दी निर्णय ले लेंगे। ये तो सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के द्वारा सबमिट किए हुए रिपोर्ट के आधार पे ही ये फैसला है तो उनको आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हेड काउंट करने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो निश्चित रूप से फैसला हमारे हक में आएगा, इसलिए मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इसमें आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कि आखिर फैसला हुआ क्या है, उसमें किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में परिस्थितियों का निर्माण होगा और आने वाले समय में राज्य शासन क्या कर रही है, तो हमारे विधि मंत्री जी उसको और तर्क संकत ढंग से प्रतिशत के हिसाब से बताएंगे। चल 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 बता बता। देखो ऐसा है कि बराबंदी को लेकर माननीय सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी है और वो कमेटी अध्ययन कर रही है, अलग अलग स्थानों का दौरा भी कर रही है, रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जाएगा इसमें। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।